हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक और डूफॉलो वेबसाइट लेकर आई हूँ। वेबसाइट डूफॉलो होने के साथ साथ उस पर ट्रैफिक भी मिलियंस में है। जी हाँ, उस पर 1.1 मिलियन का ट्रैफिक है। डूफॉलो बैकलिंक तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, जिससे कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी इंक्रीज होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे, साथ के साथ आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज होने के चांसेस भी पूरे पूरे बढ़ जाएंगे। बट शर्त एक ही है कि आपको इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना होगा। एक बार इस पे बैकलिंक बनाने से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि अब आपके वेबसाइट के जो या आपके जो ब्लॉग के ट्रैफिक में इंक्रीमेंट लगना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको जो है ऐसी वेबसाइट्स को इन वेबसाइट्स को रेगुलर यूज़ करना होता है, इन पे रेगुलर ब्लॉग पोस्ट करते रहना होता है, तभी यहाँ से आपको जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक में एक बूस्ट मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है, आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ने में एक पॉसिबिलिटी बढ़ती है। तो चलिए, आइए टाइम वेस्ट ना करते हैं, फटाफट से हम स्विच करते हैं अपनी आज की वेबसाइट पर। तो गूगल पर हमें लिखना है ट्राई इंग्ली हमें लिखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में हमारा लिंक आ रहा है, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डोमेन अथॉरिटी 86 है, स्पैम स्कोर हार्डलिस्ट का 1% स्पैम स्कोर है। और जब मैं यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करके सिमिलर वेब पे इसका एनालिटिक्स चेक करने लगती हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.3 मिलियन इसके पास टोटल विजिट्स हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएस से इसके पास बहुत अच्छे अमाउंट में ट्रैफिक है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यूएस से है, देन ताइवान से है, देन इंडिया से भी इसके पास ट्रैफिक है। तो इस वेबसाइट पर आपने देखा कि 1.3 मिलियन इसके पास टोटल मंथली विजिट्स आ रही हैं। तो अगर आप ऐसे वेबसाइट पर अपना बैकलिंक बनाएंगे तो यहाँ से आपको डूफॉलो बैकलिंक तो मिलेगा ही मिलेगा, जिससे कि ट्रॉलर्स को, बॉट्स को आपकी वेबसाइट के बारे में पता चल जाएगा और वहाँ से आपका लिंक इंडेक्स होने की पॉसिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। साथ के साथ आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक में भी एक अच्छा बूस्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ से बनती दिख रही है। तो चलिए, आइए अब हम इस पर लिंक सबमिट कर लेते हैं। बैकलिंक बनाने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है माय फ्रेंड्स इसके ऊपर। तो आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर आपका जो है ईमेल, फर्स्ट नेम और पासवर्ड आ जाएगा। मैंने पासवर्ड यहाँ डाल दिया है और ये मेरा फर्स्ट नेम हो जाएगा, ये मैं पासवर्ड रख लूँगी। तो अब आप यहाँ से अपने नीश के अकॉर्डिंग जो है टेम्पलेट चूज़ कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन स्टोर है अगर आपका, तो ऑनलाइन स्टोर आप चूज़ कर सकते हैं। बिजनेस के हिसाब से, लैंडिंग पेज के हिसाब से, क्रिएटिव्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड इवेंट्स, पर्सनल ब्लॉग्स के हिसाब से भी आप अपना जो टेम्पलेट है वो चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने ब्लॉग पर क्लिक कर दिया है और अब मैं यहाँ से कोई भी एक सिंपल सा टेम्पलेट जो है वो मैं चूज़ कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे पर्सनल ब्लॉग में ले लूँगी, पर्सनल ब्लॉग मेरे लिए इसमें सबसे बेस्ट रहेगा। और मोस्टली जब भी मैं इस वेबसाइट पे बैकलिंक बनाती हूँ अपने किसी भी ब्रांड के लिए काम करने लगती है, तो मैं इस टेम्पलेट को चूज़ करना प्रेफर करती हूँ। तो आप पर्सनल ब्लॉग में जाके आप इस टेम्पलेट को चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टार्ट एडिटिंग पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दो ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे जैसे एक ऑप्शन आ रहा है सामने, हाय देयर, वेलकम टू द स्टार्टिंगली एडिटर, वी रेकमेंड टेक अ सुपर क्विक टूर टू शो यू द रोप्स। तो यहाँ पर हमें टूर की कोई ज़रूरत नहीं है, टूर तो मैं ही आपको करवा दूँगी। यहाँ पे आप नो थैंक्स पे क्लिक कर दीजिए एंड देन यहाँ पर आपके पास ये डैशबोर्ड आ रहा है। अब आप को क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आप ब्लॉग पे क्लिक कर दीजिए। ब्लॉग पे क्लिक करके अब आपके यहाँ आपके पास यहाँ पे मैनेज ब्लॉग पोस्ट आ रहा है। और अब यहाँ पर आपके पास आ रहा है राइट न्यू पोस्ट, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। इसका आपने देखा है कंफर्मेशन ईमेल नहीं गया, ये डायरेक्ट आपका लॉगिन हो गया यहाँ पर। देन आपने यहाँ पर जो अपना टाइटल ऐड कर देना है, यहाँ पे आप सब टाइटल ऐड कर देंगे और यहाँ पे आप अपना कंटेंट ऐड कर देंगे। चलिए हम एक बार ऐड कर लेते हैं सारा कुछ। तो यहाँ पर मैं अपना ये टाइटल ऐड कर दूँगी, मैंने जो भी वीडियोस बनाने के लिए होता है मैंने एक आर्टिकल रेडी करके रखा होता है, तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पोस्ट कर देंगे। देन यहाँ पर हम सब टाइटल पोस्ट कर देंगे
और अब हम अपना ये आर्टिकल कॉपी करेंगे, इसको हम यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। और यहाँ पर जो आपके सब हेडिंग्स हैं उनको आप बोल्ड कर दीजिए। मैं आपको हर बार यही बताती हूँ कि इनको आपने अच्छे से अच्छी तरह से पोस्ट को ऑप्टिमाइज़ करके आपने यूज़ करना है। एंड देन हम यहाँ पर अपना लिंक लगा देंगे। तो मैंने अपना ये लिंक कॉपी कर लिया है ब्लॉग पोस्ट का, और इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है, इसको बोल्ड कर देंगे। और यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आ रहा है, ये हमने दे दिया लिंक, और इसको सेव कर लेंगे। अब हम यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे पब्लिश नाउ का ऑप्शन हाईलाइटेड है, तो हम पब्लिश नाउ पे क्लिक कर देंगे। और अब हम यहाँ पे अपना लिंक चेक कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो ये लिंक है, हमारा जो बैक लिंक है वो बन चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई जो हमारा ये यूआरएल है, यहाँ पर हमें इस अपने जो यूआरएल को उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एग्ज़िट पे क्लिक कीजिए, सेटिंग्स पे जाइए, ब्लॉग पोस्ट से हमें बाहर एग्ज़िट करना है, और जो यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड बना हुआ है इसके ऊपर आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये वाला ऑप्शन है, यहाँ से आपका ये जो नेम है इसको आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप अपना कोई भी कस्टम नेम दे सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया है अनिल चौहान, एंड देन इसको हम अपडेट कर देंगे। इसको हमने यहाँ से चेंज करके देन हमने इसको पब्लिश भी करना है, जस्ट पब्लिश फ्री साइट, ओके। और यहाँ पे आपको नेम बता रहा है, एंड देन इस पर पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अब आपका जो ये वेबसाइट का यूआरएल ये है। अब जो हमारा बैक लिंक है वो ये बैक लिंक होगा। अब आप इस यूआरएल में और इस यूआरएल में फ़र्क देख सकते हैं। तब हमारा जो है ये बैक लिंक हमारा बन चुका है। अब मैं इसको इनकॉग्निटो विंडो पे जाके देखती हूँ, तो जो हमारा बैक लिंक है ये बन चुका है। तो ये मैंने यहाँ पे ब्लॉग पे क्लिक किया है, हाँ देखिए बिल्कुल सही जगह पर हमारा जो पोस्ट है वो बिल्कुल सही जगह पर बना है। हमने इस तरह से कंटेंट डाल दिए, साथ में यहाँ पे लिंक लगा दिए। आप चाहे तो यहाँ पे बीच में एक इमेज भी लगा सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से हमने एक कंटेंट बेस्ड अपना एक बैक लिंक यहाँ पे बना लिया। तो आप स्ट्राइकिंगली पे इसी तरह से मल्टीपल ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कीजिए, इमेजेस लगाइए, इन्फोग्राफिक्स लगाइए, और बढ़िया से बढ़िया जो है अपने बैक लिंक्स यहाँ से अचीव कीजिए। और सबसे बड़ी बात, डू फॉलो बैक लिंक्स। हाँ जी, चलिए मैं आपको इसका एक लिंक भी दिखा देती हूँ कि जो ये हमारा लिंक है ये डू फॉलो लिंक है कि नहीं। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, मोस्ट पे क्लिक किया, और अब मैं यहाँ पे पेंसिल आइकन पे क्लिक करती हूँ, फॉलोड पे क्लिक किया, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमें बैक लिंक मिला वो भी हमें डू फॉलो बैक लिंक मिला। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आप इस पे ज़रूर ब्लॉग पोस्ट अपना बनाएंगे, बैक लिंक बनाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और मेरा चैनल आप अपने SEO फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, उनको सब्सक्राइब करवा सकते हैं, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट बैकलिंक्स मैं अपने इस चैनल पे डे टू डे शेयर करती रहती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।